आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। वहीं आपको बता दें कि देश भर से लोग और बड़े बड़े नेता बधाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इसी बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके दी बधाई। मायावती ने बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आज उनके जन्मदिन पर बधाई एवं उनके दीर्घ आयु होने की कुदरत से कामना करती हूँ। आपको बता दें कि मायावती ने ट्वीट करके दी बधाई। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही, आपको बता दें कि आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। बसपा के तरफ से जारी किए गए हैं स्टार प्रचारक की सूची। 40 स्टार प्रचारक की सूची जारी की है मायावती ने। वहीं आपको बता दें कि मायावती और भीम राजभर, मुनकाद अली व विजय प्रताप सहित 40 स्टार प्रचारक रहेंगे शामिल। वहीं आपको बता दें कि आजमगढ़ सीट से गुड्डू जमाली बसपा के तरफ से प्रत्याशी रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गुड्डू जमाली हैं बसपा के उपचुनाव के प्रत्याशी। आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरियाणा नगर परिषद चुनाव से। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटों पर और कर दिए हैं प्रत्याशी घोषित। वहीं आपको बता दें कि नहू नगर परिषद से मोहम्मद हसन को बनाया गया है प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि सोहाना नगर परिषद से माला देवी को बनाया गया है प्रत्याशी। जी वहीं आपको बता दें कि बसपा ने 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि ये भी खबर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई खबर है। बसपा पार्टी ने भी पत्र जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, भाजपा व कांग्रेस को वोट न देने का भी पत्र जारी हुआ। निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में व्हिप पत्र जारी हो गया है। आपको बता दें कि व्हिप की कॉपी भेजी गई है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को, मायावती ने भेज दिया। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि आजमगढ़ सीट बनी है चर्चित में। वहीं आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर गुड्डू जमाली के प्रचार में स्टार प्रचारक के रूप में जाएंगे मायावती, भीमराज भर, मुनकाद अली व विजय प्रताप सहित 40 स्टार प्रचारक। इस वक्त की बड़ी खबर है।